हाय गाइस, भारद्वाज ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। सो नाउ डिस्कस द मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या है, व्हाट डू मीन बाय द मैग्नेटिक डाइपोल्स। मैग्नेटिक डाइपोल्स कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय some small distances between them is called magnetic dipole. Magnetic dipole क्या होता है, consist होता है two unlike poles of equal strength, कि दो unlike pole होंगे, उनकी जो strength है वो equal होगी, and separated by some small distance between them is called magnetic dipole. Now explain by any magnet. This is a bar magnet. It has two pole, N and S. N and S two unlike pole. One pole is north pole, other pole is south pole. And this is the line joining is called magnetic axis. This is the small distance between them is 2L. This is the 2L vector. It is the small distance between the two poles N or S. This is called magnetic dipole. Example of magnetic dipoles is bar magnet, compass needles are the example of magnetic dipole. Now we shall show that current loop also behave as a magnetic dipole. We shall show that current loop behave as a magnetic dipole, and electron revolving around the nucleus is also behave as a magnetic dipole. So, electron जो revolve कर रहा है nucleus के surrounding में वो भी behave करता है magnetic dipoles को, और करंट लूप इज आल्सो बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो इन लास्ट वीडियोस में। नाउ द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल्स हैव साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, एंड द डायरेक्शन या द लेंथ ऑफ द टू पोल्स इज 12 वेक्टर्स। दिस इज मैग्नेटिक लेंथ। 12 का नाम क्या है, 12 वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। 12 का नेम क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक लेंथ। 12 वेक्टर कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। इट इज वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कि जो 12 जो लेंथ है उसका जो वेक्टर्स है वो डायरेक्टेड लाई करता है साउथ से नॉर्थ। तो वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। South to north, it is represented by 12 vectors. It is represented by 12 vectors. It's called magnetic dipole. Once again, magnetic dipole क्या होता है? Consist of two unlike poles of equal strength, like जैसे north pole and south pole. This is the equal strength. Pole strength equal है, but unlike poles हैं. And separated by small distance between them is called magnetic dipole. Example bar magnet, compass needles. 12 is the magnetic length between the two poles, and it vector directed from south to north. Now discuss the next point, magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. What we mean by magnetic dipole moment क्या है? Magnetic dipole moment, it is the product of either poles.
या विद द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो प्रोडक्ट है आइदर पोल का और उनके बीच की डिस्टेंस का, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एम वेक्टर्स, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, कि जो प्रोडक्ट है आइदर पोल का और उनके बीच की डिस्टेंस का, उसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। वेयर एम वेक्टर इक्वल टू स्मॉल एम इनटू में 12 वेक्टर्स, एम वेक्टर इक्वल क्या जाएगा, स्मॉल एम इनटू में 12 वेक्टर्स, एम वेक्टर इक्वल टू स्मॉल एम इनटू में 12 वेक्टर्स, वेयर स्मॉल एम इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, 12 वेक्टर इज द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, राइट, स्मॉल एम इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, 12 वेक्टर इक्वल टू मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम वेक्टर इक्वल टू एम इनटू में 12, वेयर स्मॉल एम इज द पोल स्ट्रेंथ, 12 वेक्टर इक्वल टू द मैग्नेटिक लेंथ। नोट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इज, कि जो एम वेक्टर की जो डायरेक्शंस है वो क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इज साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ होती है। नॉट पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इज साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एम वेक्टर्स मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला, और क्या होते हैं, जूल पर टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर की जो यूनिट होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, जूल पर टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज जूल पर टेस्ला एंड एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शंस क्या होती है इसकी, एम वेक्टर्स की साउथ टू नॉर्थ, कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्टेड होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। नाउ यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, कि जो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ है उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ क्या है, स्मॉल एम, स्मॉल एम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर्स, एम्पियर मीटर की जो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है। तो इट मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम वेक्टर इक्वल टू स्मॉल एम इनटू में 12, स्मॉल एम इज द पोल स्ट्रेंथ, 12 इज द मैग्नेटिक लेंथ, एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला, और यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। प्लीज नोट डाउन द दीज पॉइंट इन द नोटबुक्स। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।